उत्तराखंड में धामी रिटर्न्स। जी, पुष्कर सिंह धामी के हाथ में फिर से आ गई है उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की कमान। धामी भले ही सीएम रहते हुए इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन वो हार कर भी जीतने वाले बाजीगर बन गए। उनके सिर पर सज गया है ताज। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक में कुछ ही देर पहले धामी को नेता चुन लिया गया। इसकी घोषणा बीजेपी के पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त खास बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी से। लेकिन ये तय है कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से विजयी हुई है और जिस तरह से चुनाव लड़ा गया वो अभूतपूर्व था। एक बड़ा सवाल है कि पुष्कर धामी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ के लीडर हैं, तो आप लोगों से कुछ डिस्कस हुआ? हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, धामी जी और हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे कहाँ से चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। और उत्तराखंड के अंदर चुनाव तो देखिए, चुनाव तो खाना पूर्ति होना है, उसमें अब क्या होना है, लेकिन अब हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि उत्तराखंड का भविष्य का उत्तराखंड कैसा हो, उत्तराखंड में किस प्रकार से विकास हो, उत्तराखंड में जो लोगों को जो परेशानियाँ हैं कैसे मिलकर दूर करें। एडी चोटी का जोड़ लगाएंगे। सबकी निगाहें शपथ ग्रहण कब होगा? वो आने वाले एक आध दिन में तय हो जाएगा। बात करने के लिए अनिल बलूनी जी थे। अनिल बलूनी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए, 5 साल के लिए और उत्तराखंड के भविष्य के लिए पुष्कर धामी जी को मौका मिला है, क्योंकि उत्तराखंड में मिथक टूटा है और पुष्कर सिंह धामी हीरो बनकर उभरे हैं। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, बीपी न्यूज, देहरादून। ABP News, आपको रखे आगे।